नारी शक्ति संगठन की पदाधिकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने विधानसभा पहुंचने से पहले क्या बोली, देखें ये लाइव रिपोर्ट। विधानसभा का दूसरा दिन है, आज हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है एकल नारी शक्ति संगठन। अपनी मांगे लेकर, अपनी फरियाद लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने ये आई थी। जानते हैं क्या कुछ इनका मुद्दा है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आई। मेरा नाम राधा रघवाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की समन्वय हूँ और हिमाचल प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय मेंबर भी हूँ इसकी, एक नारी शक्ति संगठन की। हम अपनी मांगों को लेकर समय समय से सरकार से मिलते रहते हैं और सरकार हमारी बात भी सुनती है। हाल ही में जो धर्मशाला में एक वर्ष जो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन मिलाया तो वहाँ भी हमने धनीराम सांडल जी जो जिला कल्याण अधिकारी मंत्री हैं उनको दिया, तो उन्होंने बोला कि आप विधानसभा में भी आइए और हम आपको इनसे मिलवाते हैं, सीएम से मिलवाते हैं। तो आज हम चार डिस्ट्रिक्टों की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हम अपना मांग पत्र लेके आज उनसे मिलने जा रहे हैं। 8 सूत्रीय मांग पत्र मैम आप लेकर आई हैं, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं, सरकार से क्या आपको उम्मीद है? हमारी 8 सूत्रीय मांगे तो हैं, पर हम सबसे पहले हम सरकार से यही बात रखना चाहते हैं कि जिन्होंने उन्होंने बड़ा धन्यवाद उनका कि उन्होंने 7,000 महिलाओं को मकान देने की बात रखी हुई है, पर मकान तो देंगे पर उसमें क्या प्राथमिकता होगी और किन महिलाओं को, एकल महिलाओं को वो मकान देंगे? तो मेरी सरकार से हमारी महिलाओं की भी यही अपील है या प्रार्थना है, प्राथमिकता है कि किन महिलाओं को देंगे? हमारे पास तो जमीन ही नहीं है और जमीन नहीं है तो मकान कहाँ बना के देंगे वो, क्योंकि हम तो इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे कि हमारे को ससुराल से निकाल दिया जाता है तो मायके वाले बोलते हैं कि आपकी शादी कर दी है तो आपका हक तो हमने दे दिया है तो हम आपको कहाँ से देंगे? तो हम, हमारी सबसे पहली मांग जो है ये घर को लेकर है, मकान को लेकर है। दूसरी मांग यही है कि महंगाई को देखते हुए कि आज 1100 का सिलेंडर मिल रहा है या 900 का मिल रहा है, तो हमारे सरकार से यही अपील है कि दूसरी हमारी एक मांग है कि साल में कम से कम हमें एक फ्री सिलेंडर तो दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि परित्यक्त महिला को परिभाषित किया जाता है। परित्यक्त महिला वही है कि जो बच्चों के साथ रह रही है अलग कहीं और उसका केस चला हुआ है सरकार के पास, कोर्ट में केस चला हुआ है पर उसका कभी कोई हल नहीं हो रहा है, तो अगर वो पंचायत स्तर पे कहीं परिभाषित की जा सकती है तो उसको, मतलब सरकार, तो उसको भी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। और चौथे हमारी मांग ये है कि अंत्योदय और हिम केयर और आयुष्मान कार्ड जो बने हुए हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर बाहर से लिख देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको डायबिटीज, छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो उनको कम से कम फ्री तो मिलना चाहिए, जो एक्सपायर्ड हो जाती है तो कम से कम किसी के काम आ जाए। तो चार मुख्य हमारी ये मांगे, अगर इनको ही पूरा कर देते हैं तो सरकार का मुलाकात हुई आपकी किसी से? हाँ, हमारी आज तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो व्यवस्था परिवर्तन में विक्रमादित्य जी और कैबिनेट मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी और जिला कल्याण अधिकारी मंत्री धनीराम सांडल, जो हमारी पिछले साल हमारी जो राज्य स्तरीय मीटिंग होती है शिमला में वो उसी में भी आए हुए जी। यानी कि उम्मीद है आपको कि सरकार? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है और उम्मीद के साथ ही हम चार डिस्ट्रिक्टों की महिलाएँ पहुँची हुई हैं और हमारी 5 लाख महिलाएँ जो हिमाचल में हैं और 5 करोड़ महिलाएं हमारी पूरी ऑल इंडिया में है, जिसमें हम राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच जो है, जो हम सेंटर में भी मांग पत्र समय समय पर एडवोकेसी करते रहते हैं और हिमाचल में तो आए दिन हमारा कुछ ना कुछ चल ही है।